ही है, क्या लगता है? मैं आंखें बंद करके पढ़ता हूँ सर। सॉरी सर, सो मेनी मिस्टेक्स। चीज होती है प्रूफ रीडिंग, आदत डालें उसकी। जाइए दोबारा इस पे काम करके आइए। जाइए, इट्स सॉरी सर। ओके। हरिया, मिस्टर राशिद कुरैशी साहब, क्या हाल है? मिस्टर कमाल हसन साहेब, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अरे वो तो हमें पता है, मिजाज कैसे हैं आपके? कैसा चाहिए हम? बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस वक्त हैं। हुकुम कीजिए जनाब। अरे आप बड़े आदमी हैं साहेब, हम तो सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं। कर लो बेटा तंस, इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हें इजाजत है इस चीज की। कसम से तंज नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं। अच्छा, बस ये जो झूठी कसमें खाते हो ना तुम, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता तुम्हें। बोलो। अच्छा यार, सीरियसली बताओ कि शाम में क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, क्या काम है? अरे एक पार्टी रखी है घर पे यार, तो अगर तुम आइजल को लेकर आ जाओगे तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। टेल मी वन थिंग, मैं गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे आऊं या दोस्त के तौर पे? अरे यार, मैं तो एक दोस्त के तौर पर ही बुलाना चाहता। अरे तो दोस्तों की तरह बात करो ना, ये क्या आप जनाब लगाया हुआ है? इसका मतलब है कि तुम्हें इज्जत रास नहीं आ रही है, तो बस फिर ठीक है बेटा, शाम को पहुंच जाना अजल के साथ, समझे? थोड़ा सुकून आया, सीरियसली। तो बस फिर ठीक है, शाम में होती है मुलाकात। आता हूँ, बिल्कुल, डोंट वरी। बाय बाय। आ गए तुम? कितना खर्चा किया? दो हजार आठ सौ बत्तीस। क्या जी? इतना सा सामान 2832? जी, जैसे बाहर तो महंगाई है नहीं ना, कभी खुद बाजार जाओ तो लग पता जाए। मुझसे ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। ये जो दिन ब दिन तेरी पैसे ठगने की आदत है ना, ये बढ़ती जा रही है। सच सच बता, कितने का सामान आया? तो मैं अकेला तो नहीं ठगता ना, वो जो तुम रोजाना 600-700 रुपए की दिहाड़ी लगाती हो वो? बकवास बनकर। बकवास नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। जब से शमसा बीबी का इंतकाल हुआ है तब से देख रहा हूँ, तुम तो साहब को महीने के महीने हिसाब देती हो। मेरे ना रोजाना का हिसाब हाथों पर होता है, मेरे हिसाब से 15 से 20 हजार रुपए का फर्क निकलता है। अच्छा बकवास बनकर चुप रहे, लगता है साहब आ रहे हैं। और एक बात कान खोल के सुन ले, साहब के सामने कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना। तो मेरा अपनी जबान जरा बंद रखा करो, थोड़ा सा करप्शन का तो मेरा भी बनता है। देख लूंगी मैं तुम्हें, अब जाओ यहाँ से। देख लेना।